हे गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अभी सुबह हो चुकी है, आज मेरा थोड़ा लेट का कॉल टाइम है, सेट पे थोड़ा लेट जाना है। तो आज गुड़ी पड़वा का फंक्शन है ओजी के स्कूल में, तो ओजी रेडी हो रही है। तो फर्स्ट सबसे पहले मैं उसके लिए दूध बनाता हूँ, दूध पिलाता हूँ, उसकी मम्मी पिलाएगी, मुझे दूध गर्म करना है। और वो रेडी हो चुकी है, उसको मैं दिखा रहा हूँ। थोड़ा अटायर आज उसका थोड़ा सा डिफरेंट है, आज स्कूल में उसकी बहुत सारा पार्टी होने वाली है, इसमें उनको पूड़ी सब्जी कुछ ऐसा इंडियन फूड कुछ मिलने वाला है थोड़ा सा। देखो किस तरह से रेडी किया जा रहा है। क्या अच्छे से करेगी? अच्छे से करेगी। हाँ ठीक है, चलो फटाफट रेडी हो जाओ, चलो स्कूल के लिए लेट हो रहा है। हाँ रेडी तो मुझे स्कूल भी जिम जाना है, जल्दी फटाफट रेडी हो जाओ, फिर जिम जाना है मुझे। बड़ा करने के लिए बोला है ना। स्लो स्लो स्लो, पीछे जाओ, वेरी गुड, रैंप वॉक करके दिखाओ। देख आगे देखो, चलो चलो मामा, हो गया रेडी, रेडी रेडी हो गई पूरी तरह से। हाँ। तो खाना हो गया? हाँ। दूध पी लिया? हाँ। थोड़ा सा क्यों, थोड़ा सा क्यों पिया? दूध पसंद नहीं है। आज स्कूल में क्या खाने को मिलने वाला है? पूरी मिठाई सब्जी। अच्छा, और सब लोग आने वाले हैं स्कूल में आज? ये क्या ठीक है, चलो तो रेडी, लेट्स गो, चलें, सब लोग आएंगे अभी, चलें स्कूल के लिए। बताओ ये स्कूल कौन में वैष्णवी, सब कोई आएंगे, चलो तो फिर रेडी हो जाओ। डैडी मैं तो रेडी हूँ। ठीक है, स्कूल का टाइम हो गया। चलो मैं आपको स्कूल छोड़ने के बाद फिर मैं जाऊंगा जिम, ठीक है? ये देखो स्कूल से आने के बाद क्या कर रही है, और इसका दिमाग देखो, पहले ये रखा फिर ये रखा और इस पे से चढ़ के पहुंच गई ऊपर। बदतमीजड़ी, नीचे उतरो भी, नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतर के दिखाओ कैसे उतरोगी, नीचे नीचे उतरो, देखना नीचे, देखो कैसे, देखना लड़की कितनी तेज हो चुकी है ये लड़की, ये देखो, आहा आहा उतरो। जाओ। तो मेरे बाल बहुत बड़े हो चुके हैं, थोड़े से मुझे ट्रिम करना है बाल, और थोड़े कुछ ग्रे हेयर हैं उनको मुझे थोड़ा कवर करना है। तो मैं आज आया हूँ सैलून थोड़ा हेयर सेट कराने के लिए, और ज़्यादा चेंजेस मैं नहीं कर सकता हेयर में, जस्ट बिकॉज मेरी कुछ कंटिन्यूटी चीज़ें चल रही हैं, ड्रास्टिक चेंज नहीं कर सकता, हल्के फुल्के ट्रिम करा सकता हूँ। और कलर इसलिए कराना, कुछ मेरे वाइट हेयर हैं कुछ यहाँ पे, थोड़े बहुत बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उनको थोड़ा सा ढकना है इसलिए मुझे कराना पड़ रहा है, और थोड़ा हाइजीन मुझे रहना पसंद है इसलिए थोड़ा ट्रिम करा रहा हूँ। सो अभी मेरा हेयर कट हो चुका है, क्योंकि मुझे थोड़े थोड़े ट्रिम कराने थे, बहुत अच्छी कटिंग की है भाई ने, सलून भी बहुत अच्छा है, मैं मोस्टली यहीं पे आता हूँ हेयर कट कराने के लिए हमेशा। तो अभी कलर के लिए हमें जाना होगा, उसके लिए हेयर वॉश करना होगा, फिर हम कलर करेंगे। तो अभी हम कलर के लिए रेडी हैं, फर्स्ट हेयर वॉश करते हैं फिर चलते कलर के लिए। अभी हेयर वॉश हो चुका है, हेयर वॉश के बाद अब हम कलर करने के लिए जा रहे हैं, बाल सूख चुके हैं और ये देखो थोड़े वाइट हेयर हैं इनको, अभी हम कलर करेंगे। हेयर वॉश हो चुका है, हेयर कट हो चुका है, और ब्लो ड्रायर से हमने बाल सुखा लिए हैं, और फाइनली टाइम हो चुका है अभी कलर करने का। और कलर करने के बाद 20 से 25 मिनट मुझे इंतज़ार करना होगा सूखने का, और फिर कलर होने के बाद फिर वॉश करना होगा, देन मैं घर जाऊँगा। आज 1 से 1.5 घंटा मेरा यहीं भी निकल जाएगा पूरा।
कलर होने के बाद अभी 35 मिनट हमें इंतज़ार करना होगा, और 35 मिनट के बाद हम पूरा वॉश करेंगे और फिर हेयर ड्रायर से स्टाइलिंग करेंगे और देन कंप्लीट होगा। ऊपर बैठा जरा, आफ्टर 35 वेट करने के बाद हेयर वॉश करने जा रहे हैं हम। ये शैम्पू कौन सा यूज कर रहे हैं आप? ये इसका है, लॉरियल का ही है ना? हाँ, लॉरियल का ही। हाँ, शैम्पू लॉरियल। और इसके बाद कंडीशनर भी करेंगे ना? हाँ, कंडीशनर। अच्छा, दूसरी बार शैम्पू किया हमने? नहीं, ये फर्स्ट है। अच्छा, फर्स्ट। अच्छा, उससे पहले नॉर्मल वॉश किया था। तो मेरा हेयर कलर, हेयर वॉश सब कुछ हो चुका है फाइनली, और मैंने वैक्स लगाया नहीं है क्योंकि अभी घर जाके रात हो ही रही है। ये देखिए, काफ़ी रात हो रही है तो कोई फ़ायदा है नहीं वैक्स करने का। फिर मुझे ऑयलिंग करके कर मॉर्निंग में हेयर वॉश करना है, क्योंकि जो थोड़ा काला काला ज़्यादा काला दिख रहा है जिससे कि निकल जाए, तो कल फिर मॉर्निंग मुझे शैम्पू करना है। इसलिए मैंने हेयर पे वैक्स वगैरह स्टाइलिंग ज़्यादा कुछ की नहीं है। तो अभी बहुत टाइम हो चुका है मुझे, 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। अभी मुझे घर जाना, क्योंकि घर वाले मेरा बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे पनीर लेके जाना, तब घर में खाना बनेगा। सो लेट्स गो।